वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। दोस्तों मैं हूं अभिजीत कुमार और मैं बात करने जा रहा हूं आप लोग का सॉल्यूशन ऑफ मॉक टेस्ट 2 के बारे में। ठीक है, मॉक टेस्ट 2 में मैंने आप लोगों को 40 क्वेश्चन दिया था और काफी लोगों ने उसका आंसर करके बताया भी है कि किसने कितना अटेम्प्ट किया है, और मैंने आंसर भी दे दिया था तो काफी लोगों का अच्छा स्कोर भी था, जिसका भी 35 प्लस स्कोर है काफी बढ़िया है। आप लोग बस सही डायरेक्शन में पढ़ते रहो, वन लाइनर को अवॉइड करो। ठीक है, काफी लोग वन लाइनर पे फोकस करते हैं, 40 मार्क्स के लिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और सोचते हो कि वन लाइनर पढ़े तो इससे काम नहीं चलने वाला है, और न्यूमेरिकल वगैरह तभी बना पाओगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, समझने के लिए तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे से समझो और आपको हर एक चीज पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 300 केल्विन, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग बोल दोगे कि इसका आंसर जो है सो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273 केल्विन, और वैसे अगर एग्जैक्ट बात करोगे तो ये होता है मेरा, तो आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, और अगर इसी में आप 27 डिग्री करोगे तो इसको अगर आप ऐड करोगे 27 को तो ये आपको हो जाएगा 300.15 केल्विन। तो 0.15 को हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में आपका 300 भी एक जगह पे रहे और एक जगह पे आपको मान लो 300.15 रहे तो इस केस में फिर आप फंस जाओगे। तो ये सारा चीज आपको देखना है कि क्वेश्चन में 0.15 लिया गया है या नहीं लिया गया। उसी तरह से मैंने एक और इक्वेशन आप लोगों को अच्छे से बताया था, जब भी टेम्परेचर का कंसेप्ट आता है तो मैं बता देता हूँ कि बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टेम्परेचर पे हम लोग का जो है सो सेल्सियस का और फॉरेनहाइट का जो स्केल है वो सेम रीडिंग देगा, और उसका आंसर आप लोग याद कर लेते हो कि -40 डिग्री होगा टेम्परेचर। तो इसका भी कंसेप्ट आता है, मैंने आप लोगों को रटने के लिए बोला था कि आप लोग क्या करना, कुछ भी मत याद रखना, ये वाला इक्वेशन याद रखना। अगर ये वाला इक्वेशन आप लोगों को याद रहे तो आप लोग कर लोगे, सी माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू आपका क्या था, एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल टू के माइनस 273 पट्टे आपका 100। इसको अगर आप याद रखोगे ना तो क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा आप बना लोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फॉरेनहाइट का वैल्यू बराबर होगा, तो आप कैसे करोगे, आप करोगे सी और एफ को बराबर करोगे, तो मैं चलो एफ के जगह पे सी कर देता हूँ, तो सी माइनस जीरो बट्टे 100 इक्वल टू एफ के जगह पे मैं सी कर देता हूँ, सी माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करो, 20 से मैं काटता हूँ 20 25 100 और 20 9 180, 9c इक्वल टू आपका 5c माइनस 5 × 32 करो तो आपका 160 हो जाएगा, और ये करोगे सॉल्व तो 4c इक्वल टू माइनस 160 आ जाएगा और c इक्वल टू आपका माइनस 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सेल्सियस और फॉरेनहाइट हम लोग कुछ भी करेंगे माइनस 40 पे सेम रीडिंग देगा सेल्सियस स्केल और फॉरेनहाइट स्केल। उसी तरह से 80 माइनस के बाद जो ये टर्म देख रहे हो ये होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाएगा वाटर के बारे में बात कर रहा हूँ कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल पे कितना होगा, आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट फॉरेनहाइट में कितना होगा, आप बोलोगे 32 डिग्री फॉरेनहाइट। केल्विन में कितना होगा, आप बोलोगे 273 केल्विन, माइनस नहीं, माइनस के बाद सिर्फ ये वाला टर्म। ओके, सिर्फ ये वाला टर्म। उसी तरह से ये जो सर्किल के अंदर मैंने लिखा इसको और इसमें आप ऐड कर दोगे अगर, तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। मतलब सेल्सियस स्केल पे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होगा, आप बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस। फॉरेनहाइट पे कितना होगा, तो 180 प्लस 32 कर दोगे तो आप बोलोगे 212 डिग्री फॉरेनहाइट। केल्विन में आप बोलोगे 273 प्लस 100 373 केल्विन। तो ये सारा चीज है, देखो यहाँ पे मैंने आपको 3 3 6 1 7 1 8 8 चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, और कभी कभी डायरेक्ट रिलेशन पूछ देता है तो रिलेशन भी आप लोग इस तरह से देखोगे c/5 = c - f - 32/9, ये भी हो जाता है, इसी को आप जैसे याद करना है कर लो।
तो ये सारा चीज आप याद करने का कोशिश करना, क्योंकि देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी आपको ये काम आ जाएगा और हीट एंड टेम्परेचर आप लोगों को पढ़ाई करना है, ठीक है। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का एक चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर, तो वहां पे भी आपको काम आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 42 देखो कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखो ये सब याद करोगे ना तो कभी याद नहीं हो पाएगा, भूल जाओगे। लेकिन अगर आपको ये पता है, एक इक्वेशन होता है टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, और अगर ये इक्वेशन किसी को याद है तो वो निकाल लेगा। डी वाई क्या है, मेरा लेंथ है, डी यू क्या है, जो लोग इंजीनियरिंग किए हो मैकेनिकल से वो सारे लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में ये सारा पढ़े होंगे तो आप लोगों को आता होगा। ये क्या है, वेलोसिटी है, यही है मेरा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये है मेरा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, ये सारा चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये होता है आपका फोर्स बाय एरिया एफ बाय ए इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाय डी वाई। इसको आप लोग सॉल्व करो ना, आसानी से आ जाएगा। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करने का कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इतना आप लोगों को आता होगा, 55 प्लस लेक्चर मैंने दिया हुआ, अगर देखे होगे तो सारा चीज आपको आता होगा। फोर्स एम ए, एम के जगह पे एम और ए के जगह पे एल टी माइनस टू, डायरेक्ट एरिया एल टू, ठीक है। इधर म्यू वेलोसिटी है एल टी माइनस वन, और ये आपका लेंथ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एल हो गया। आसानी से एल कैंसिल और ये एल से ये स्क्वायर कैंसिल, इसको मैं ऊपर भेजता हूं एम एल माइनस वन टी माइनस टू इक्वल टू म्यू और टी माइनस वन, फिर इसको इधर भेजो, तो इसको अगर आप इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये हो जाएगा इक्वल टू म्यू। तो ये हम लोग का डायमेंशन निकल के आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ठीक है। काफी आसान था, मैंने समझाने के लिए आप लोगों को इस तरह से बताया है। 42 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर आप लोग 43 देखो। 43 में आपको कह रहा है कि अगर v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड और e जो है वो आपका इलास्टिसिटी है और d आपका डेंसिटी है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो देखो ये भी आपको हीट और टेम्परेचर में काम आ जाएगा, तो ये कंसेप्ट आप लोग याद रखना, कुछ नहीं है, नॉर्मल सा एक फॉर्मूला होता है आपको जो कि आपको याद करना पड़ेगा। हम लोगों का ये होता है v इक्वल टू रूट अंडर के वाई रो, ठीक है, ये होता है। और k है हम लोग का इलास्टिसिटी है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं, और रो मेरा डेंसिटी है, ये मेरा डेंसिटी है, और इसको मैं डायरेक्ट इलास्टिसिटी इसलिए लिखता हूँ कि इलास्टिसिटी यूज किया हुआ है यहाँ पे इलास्टिसिटी। तो इक्वेशन देखो v इक्वल टू है ना डी वाई ई के फॉर्म में, तो मैं भी इसको इसी तरह से कर लेता हूँ, v इक्वल टू और e इलास्टिसिटी की जगह पे e लिया है, और यहाँ पे मेरा k है तो हम लोग k के जगह पे e कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में e लिया हुआ है। टर्म से कंफ्यूज नहीं करना है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। और रो के जगह पे इसने डेंसिटी को क्या किया है, डी लिया है, कर देते हैं, हो गया। अब आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में दिख रहा है वैसे वैसे आप कर दो। तो हम लोग ई बाई डी वन बाई टू करेंगे और आपको डी बाई ई करना है, देखो क्वेश्चन में ध्यान से, तो डी बाई ई माइनस हो जाएगा, ये हो गया। आपसे यही तो पूछा एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो माइनस वन बाई टू, ऑप्शन नंबर मेरा डी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 44 देखो, आपको बोला गया कि मल्टीप्लीकेशन इसका और इसका निकालना है, करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैंने आप लोगों को 35 प्लस इसलिए बोला था कि ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन नंबर 43 और 44, ये दो क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा टफ के कैटेगरी में रख दिया था कि अगर आप लोग नहीं पढ़े होगे, और ये क्वेश्चन नंबर 46, ये तीन क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा टफ के कैटेगरी में रख दिया था कि हो सकता है आप लोग को ना बने, तो इसलिए फिर भी तो 37 तो आना चाहिए ना, तो मैंने 35 का टारगेट आप लोगों को बताया था। कुछ क्वेश्चन होता है जो टाइम नहीं मिलने की वजह से या कंसेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से लोग छोड़ देते हैं, तो उसमें ये सब क्वेश्चन आता है। लेकिन ध्यान से देखो कितना आसान क्वेश्चन है। देखो मैं आपको सबसे छोटा तरीका बताता हूँ, अगर मैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का बात करूँ ना, तो आप बोलोगे इसमें तीन है और इसमें बोलोगे एक दो तीन चार पांच है,
अब जिसको ये नहीं पता है कि ये कैसे होता है, आप लोग जा करके यूनिट्स मेजरमेंट का शायद 6 लेक्चर मैंने डाला हुआ है, सारा का सारा अच्छे से देखो, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और जब दो होता है ना, तो हम लोग जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो जो हम लोगों का रिजल्ट आता है उसका जो आंसर होता है वो सबसे छोटा वाला होता है, ठीक है, सबसे छोटा वाला जो सिग्निफिकेंट फिगर वो वाला होगा। तो आप लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे आप लोग करके देखो, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग करके देखो, मैं क्या करता हूँ इसको ऐसे कर देता हूँ, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आप करके देखो, 0 इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका ये 1601 और फिर 2 से करो, 2 0 2 2 6 12 1 2, ये होता है 0 0 1 6 2 8 2 2 और 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखो हम लोगों का ये आया 2.22810, ये मेरा आंसर आया। लेकिन हम लोग इसको आंसर नहीं करेंगे, देखो 2.2281 ये भी है, 2.228 ये भी है, 2.22 भी है और 2.2 भी है, कितना बढ़िया ऑप्शन सेट किया हुआ है। तो हम लोग को फिर आंसर क्या होगा, हम लोगों का आंसर होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बस ये है हम लोग का 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि इससे ज्यादा करोगे तो वो 4 हो जाएगा, 1 को लोगे तो 5 हो जाएगा, 0 तक इंक्लूड करोगे 6 हो जाएगा, यहाँ तक करोगे 7 हो जाएगा, हम लोग को सिर्फ 3 तक करना है। तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 3, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 45 देखो, लेटेंट हीट। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि लेटेंट हीट और स्पेसिफिक लेटेंट हीट में काफी लोग कंफ्यूजन हो जाता है काफी लोगों को, क्योंकि स्पेसिफिक का मतलब ही होता है पर यूनिट मास, ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब ये होता है पर यूनिट मास। लेकिन ये लेटेंट हीट एक ऐसा केस है ना जहां पे आप कितना भी खोजोगे आपको नहीं मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि लेटेंट हीट पूछे, ठीक है, या स्पेसिफिक लेटेंट हीट पूछे, दोनों के केस में हम लोग सेम आंसर करेंगे, इसको याद रखना। ऐसा नहीं कि सर लेटेंट हीट का जो यूनिट आएगा उसमें डिवाइडेड बाय मास करेंगे तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट होगा, बिकॉज स्पेसिफिक का मतलब ही होता है डिवाइडेड बाय मास। लेटेंट हीट का डेफिनेशन ही इंटायरली डिफरेंट है। लेटेंट हीट होता क्या है कि जब मेरा फेज चेंज होता है, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे मेरा वाटर है, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही मेरा ये वेपर बन जाता है, तो टेम्परेचर सेम है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर मेरा फेज चेंज होता है उस दौरान जो हीट मेरा लिया ये वाटर वेपर बनने में, उसको हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं, और वो कैलकुलेट ही करते हैं पर यूनिट मास के बेसिस पे। अगर पर केजी, अगर मान लो 1 केजी के लिए लेटेंट हीट आपका 540 जूल है, तो 5 केजी के लिए लेटेंट हीट हम लोगों का 5 × 540 जूल होगा। और अगर मान लो ये दिया हुआ है और मैं आपसे बोलूंगा कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितना होगा, तो आप जब डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो ये आपको पर केजी में 540 आ जाएगा। अल्टीमेटली बात यही हुआ, यहाँ पे आप कह सकते हो कि लेटेंट हीट है और यहाँ पे आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट है, क्यों, क्योंकि ये पर केजी का बात हो रहा है, ठीक है, तो पर केजी का बात हो रहा है तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट कह सकते हैं, और जब 1 केजी से ज्यादा कम हो तो हम लोग लेटेंट हीट कह सकते हैं, लेकिन पर यूनिट मास हम लोग नहीं करेंगे, याद रखना पर यूनिट मास नहीं करेंगे स्पेसिफिक के केस में, ठीक है, याद रखना, यहाँ पे लोग गलती करते हैं। तो और अगर ऐसे ही समझ में ना आए तो आप लोग हर जगह पे ये फॉर्मूला देखे होंगे, Q=ML, आइस के केस में देखना आप लोग को ज्यादा जगह दिखेगा, वहां पे देखना L आपको लेटेंट हीट होता है, अगर L लेटेंट हीट होता है तो L=QM हुआ, ऐसे ही हुआ ना, L=QM हुआ, तो फिर ये क्या है, ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट है क्या, अगर ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट है तो फिर ये लेटेंट हीट क्यों है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, लेटेंट हीट का डेफिनेशन ही यही होता है, ठीक है। इसीलिए अगर आप कोरा वोरा पे पढ़ोगे या गूगल वूगल पे सर्च करोगे या कहीं पे आप जाओगे कोई भी स्टैंडर्ड किताब पढ़ोगे, इवन NCERT बुक आप लोग फॉलो करना, मैंने भी वही फॉलो किया है और तभी आपको बता रहा हूँ सारा चीज, तो वहां पे भी आपको
यही मिलेगा। अगर बात किया जाए तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है, ओके? ये नॉर्मली डिफाइंड होता है एज ए लेटेंट हीट। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने इतना सारा बोला तो अब आप लोगों को कंफ्यूजन क्लियर हो गया। तो जब आपको ये पता है कि Q इक्वल टू ML होता है और Q क्या है मेरा, ये हीट है, और हीट क्या है, ये एनर्जी है, और मैंने एनर्जी के बारे में बोला था ना ML2T-2, आप लोग याद रखना मैंने बताया था, और बट्टा M, सिंपल फिजिक्स इतना आसान होता है ना, मतलब ये यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर, अगर आपको पूरा का पूरा फिजिक्स में कहीं से भी अगर एक फॉर्मूला याद आता है तो आप उस फॉर्मूला को पकड़ के डायमेंशन निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने अभी इसका निकाला था, इसका जो आपका आया था देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, बहुत सारा फॉर्मूला होता है, मुझे ये फॉर्मूला याद था, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, और हर जगह सेम ही आएगा आपका। तो उसी तरह से अब ये आपका आया तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका हो जाएगा M^0 L^2 P-2, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बात करते हैं 46। देखो 46 जो है ना, ये क्वेश्चन जो होता है इस क्वेश्चन का मैंने डेरिवेशन लेक्चर में करवाया हुआ है। डिटेल्स अगर आपको देखना है कि कहां से आया तो आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा। मैं आपको शॉर्टकट में एक तरीका बता देता हूं कि जब मैंने डिराइव किया था तो हम लोगों का ये आया था DT/T (100) = 1/2 DL/L (100), ये हम लोग का रिलेशन आया था। जब आप डिराइव करोगे आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। ये सारा चीज देखो, मैं जितना चीज बता रहा हूँ ना हर एक चीज दिमाग में रखो, कहाँ से क्या पूछ दे ये आप नहीं कह सकते हो। तो यहाँ से जब आप इसको लॉग लेकर के सॉल्व करोगे तो आपको ये आएगा। अब आप क्वेश्चन देखो, लेंथ को 2% से बढ़ा दिए, परसेंट है यानी DL/L (100), यही है ना 2%, यही है ना 2% से इंक्रीज कर दिए, तो यहाँ पे कर दिए 2%, तो ये आपका सॉल्व होके हो जाता है 1%, तो ये मेरा आया 1%, ओके? तो इंक्रीजेज बाय 1% 46। अब मैंने आपको ये कंसेप्ट इसलिए बताया कि यहाँ पे क्वेश्चन में था कि 2% से इंक्रीज कर दिए तो आपने बोला 1%, अगर मैं क्वेश्चन में यहाँ पे कर देता 5% से इंक्रीज कर दिए तब तो आप फंस जाते, है कि नहीं? तो ये सारा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 5% करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 2.5%, मतलब हाफ, ओके? चलो अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, द SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे, कुछ नहीं आता है हम लोगों को, इक्वेशन तो आता है PV = nRT, ये तो हम लोग जानते हैं ना, हो गया R = PV/nT। P क्या है मेरा, P है मेरा प्रेशर, और प्रेशर क्या होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स का क्या होता है N, और एरिया का आपका मीटर स्क्वायर, उसी तरह से वॉल्यूम का मीटर क्यूब, और N का मोल, और T का केल्विन। चलो मीटर स्क्वायर से ये मेरा कैंसिल हो गया, यानी हम लोग का क्या आया न्यूटन मीटर मोल केल्विन, और न्यूटन मीटर क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है वर्क एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं जूल, जूल बट्टे मोल केल्विन। तो आपका ये जूल केल्विन को ऊपर भेज दो और मोल को भी ऊपर भेज दो तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखो कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है आपसे ऑप्शन में यही पूछ देता, हो सकता है आपसे ऑप्शन में ये पूछ देता, तो आपको कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना। आगे बात करते हैं, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का करवा रहा हूँ क्योंकि इस लेवल का आप पढ़ाई करोगे तो छोटा मोटा जो चीज है ना वो सारा आपको इसी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है थर्मल कंडक्टिविटी का। तो फॉरियर्स लॉ पढ़े होगे आप लोग, अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है, वो होता है आपका एक इक्वेशन आप लोग पढ़े होगे, इस तरह का इक्वेशन होता है हम लोग का Q = -KA dT/dx। तो ये जो Q होता है ना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट आप कह सकते हो,
तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं जाना है, सिर्फ आपको जितना बता रहे हैं उतना करो। रेट ऑफ चेंज होता है तो ये मेरा डी क्यू बाई डी टी होता है, इसी को स्मॉल क्यू बोल देते हैं, और ये होता है माइनस के ए डी टी बाई डी एस, और माइनस साइन को कंसिडर नहीं करना है। तो ये क्या है, हीट है, और हीट क्या है, एनर्जी है, एम एल टू टी माइनस टू। ये क्या है मेरा, ये भी टाइम है टी, और ये के, और ये मेरा क्या है, ए है एरिया एल टू, और ये क्या है, टेम्परेचर है, तो केल्विन। यहाँ पे आपको थीटा लिया है टेम्परेचर के जगह पे, तो आप लोग यहाँ पे थीटा ले लो, ओके। और ये आपका लेंथ, ये कैंसिल हो गया, आप इसको सॉल्व करो एम, और ये टी ऊपर चला जाएगा टी माइनस थ्री, और ये एल इधर आ जाएगा तो एल, और ये आपको थीटा भी इधर आ जाएगा तो थीटा इनवर्स इक्वल टू के। तो हम लोग क्या देखे कि आपका आया एम एल टी माइनस थ्री थीटा माइनस वन, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री थीटा माइनस वन, 48 का ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 50 देखो, काफी ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल डायमेंशन लेस क्वांटिटी, है ना। तो उससे पहले 49 छूट गया ना, तो 49 देखो, थ्री मेजरमेंट 7.1 7.2 6.7 आर मेड एज एक्सपेरिमेंट द रिजल्ट विथ करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ नहीं करना है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये तीन डाटा है और इसका एवरेज बताओ तो आप क्या करोगे, आप इसको जोड़ोगे तो जोड़ो आप, और इसको जोड़ोगे और आप एवरेज निकालोगे तो 7, 2, 9, 1, 10, 1, 7, 7, 14, 6, 20 और 21। और एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, बट्टा 3 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 7, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का बात हो गया, तो ये मेरा दो सिग्निफिकेंट फिगर, ये मेरा दो सिग्निफिकेंट फिगर, ये मेरा दो सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम लोग का आंसर भी चाहिए दो सिग्निफिकेंट फिगर में, ये मेरा एक सिग्निफिकेंट फिगर है इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। और 7 आया ना, तो 7 जब आया तो 7.1 तो होगा ही नहीं, और 7.06 तो होगा ही नहीं, 7 आया तो या तो ये हो सकता है और या तो ये हो सकता है, तो ये इसलिए नहीं होगा कि इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये इसलिए होगा कि इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। सिग्निफिकेंट फिगर को और ज्यादा डिटेल्स में समझना है तो आप लोग जाकर के लेक्चर देखो, 1.45 ये समय होगा। क्वेश्चन नंबर 50 काफी आसान सा क्वेश्चन है, ग्रेडियंट का मतलब ये होता है पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो आप ही बताओ लेंथ का जो यूनिट होगा किसी चीज में, अगर पर यूनिट लेंथ होता है तो किसी चीज में हम लेंथ से डिवाइड करेंगे तो वो डायमेंशनलेस कब हो जाएगा, जब ऊपर भी लेंथ हो। ऊपर लेंथ किस में है, वेलोसिटी में नहीं है, प्रेशर में नहीं है, फोर्स में नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट लेंथ और डिवाइडेड बाई लेंथ, तो हम लोग का ये हो जाएगा। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप लिखो इसको, इसको लिखो आप डी वी बाई डी एल, इसको लिखो ये वेलोसिटी है ये लेंथ है, डी पी बाई डी एल ये प्रेशर है ये लेंथ है, इसको लिखो आपको डी, और डिस्प्लेसमेंट है तो डी एल बाई डी एल कर दो, और ये फोर्स है तो डी एफ बाई डी एल कर दो, और आप देखो किसका आता है डायमेंशन लेस, तो यही आपका आएगा डायमेंशन लेस। चलो क्वेश्चन नंबर 51 देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, और कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि क्या कमेंट किया था कि सर प्रोसेस आपका टेस्ट लेने का अच्छा नहीं है, तो अब आप ही लोग मुझे बताओ कि देखो ना तो मेरा कोई स्टूडियो है, ना ही लाइव क्लास चलता है, ना ही बोर्ड है, और ना ही कोई बहुत बड़ा कंपनी है जो मैं आपको उस तरह से टेस्ट प्रोवाइड करूं, तो जो बेस्ट लगता है मुझे मैं उस तरह से आप लोगों को देता हूं। अल्टीमेटली आप लोगों को पढ़ाई करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, ना कि टेस्ट का स्टैंडर्ड देखना है, प्रोसेस का कि कैसे टेस्ट लिया जाता है, है ना। काफी ज्यादा स्टैंडर्ड तरीका से मैं टेस्ट लूं और उसमें क्वेश्चन क्वालिटी ही ना रहे बन ढंग का और समझा ही ना पाए तो वो कौन सा काम का हुआ। तो वेटेज वाला चीज पे फोकस करो ना, वेटेज है आपको सीखना, उस पर फोकस करो, और टेस्ट का कोई वो प्रोसेस उतना भी खराब नहीं है। क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूँ, आपको बस बनाना है, जैसे बनाओ जैसे देखो क्वेश्चन, और ये एक्सप्लेनेशन वाला तो वीडियो अच्छा है ही, तो क्या दिक्कत है, सीखना है सिलेक्शन लेना है, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन को ना बनाने का, वैसे डीपली जाऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। ये देखो वी ओम्स लॉ क्या कहता है,
वी इक्वल टू आई आर कहता है ना, वी इक्वल टू आई आर कहता है, तो मैं आपको यहाँ पे बताया जा रहा है आपसे कि करंट मेजरमेंट का एरर 1% है। तो जैसे कि एक मिनट के लिए आप ऐसे समझो कि 100 ले लेते हैं वोल्टेज को और 100 ले लेते हैं करंट को, एलिमेंट्री मेथड जिसको कहते हो, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आप 100 इक्वल टू 100 गुना आर करोगे तो आर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो तो मैं क्या करता हूँ, करंट का रेंज देखो आपका 1% का दिया हुआ है, यानी मेरा करंट 100 था ना, तो 100 से वो 99 हो सकता है और 100 से वो 101 हो सकता है, क्योंकि 1% का ही उसका एरर है, रेंज है रेंज। और उसी तरह से वोल्टेज जो है मेरा उसका 2% का है, तो वो 100 से 98 हो सकता है और आपका वो 102 हो सकता है, ठीक है, यही हो सकता है ना, यही हो सकता है। तो मैं इस तरह से करता हूँ, और 99 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग रेंज का बात कर रहे हैं, रेंज का मतलब मिनिमम 98 तक हो सकता है वोल्टेज और मैक्सिमम 102 तक हो सकता है। तो अगर आप देखो यहाँ पे वोल्टेज मैं ले लेता हूँ 102 और करंट ले लेता हूँ 99 इंटू आर, उसी तरह से वोल्टेज 102 और करंट ले लेता हूँ 101 इंटू आर, उसी तरह से वोल्टेज 98 करंट ले लेता हूँ 99 इंटू आर, उसी तरह से वोल्टेज मेरा 98 और करंट ले लेता हूँ 101 इंटू आर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं रेंज ले रहा हूँ जो भी दिया हुआ उसके हिसाब से। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, और अगर आता है तो कैलकुलेशन काफी सिंपल होगा। तो यहां से अगर आर निकालोगे इस केस में फर्स्ट वाले में, तो आर आपका आ जाएगा 1.03, ठीक है, आर आर का वैल्यू। इस केस में निकालोगे तो आ जाएगा 1.009, इस केस में निकालोगे तो आ जाएगा आपका 0.98, और इस केस में निकालोगे तो आ जाएगा 0.97। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आर 1 है और वो 0.97 तक हो रहा है और 1.03 तक हो रहा है। तो जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि मैक्सिमम एरर परसेंटेज आर का 3% है। देखो आप आर 1 से 0.97 तक आ रहा है, यानी वो 0.03 घटा है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर देते हैं तो ये 3% हुआ। उसी तरह से ये ऊपर देखो 1.03 तक जा रहा है, यानी 0.03 तक ये ऊपर जा सकता है, तो इसमें भी 100 करोगे तो ये भी आपका 3%, मतलब इस बीच में आपको जो करना है करो, इसका रेंज जो है सो 3% के तक ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3%। तो जो लोग कंसेप्ट के लिए पढ़ रहे हो आप लोग देखो, और जो लोग वन लाइनर वाला सोचते हो तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर दो ना, सिंपल सा फंडा है, जो आसान लगे वो पढ़ो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एयरक्राफ्ट टू मेजर द एल्टीट्यूड, काफी आसान सा तरीका है याद करने का, एल्टीट्यूड है तो अल्टीमीटर, अल्टी से पकड़ने का कोशिश करो, अल्टी है ना, इसका मतलब ये होता है हाइट, तो रूट वर्ड से भी हम लोग का आंसर आ जाता है। एमीटर क्या है, करंट मेजर करता है, ऑडियोमीटर साउंड से पकड़ने का कोशिश करो, ये ऑडियो मेजर करेगा, एनीमोमीटर क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ वाइंड मेजर करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 53, हाइग्रोमीटर, ये आपको अभी तक पता चल गया होगा, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर, ओके, एक होता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एक होता है आपका ह्यूमिडिटी और एक होता है आपका डेंसिटी, या कभी कभी पूछ देता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये भी आपका डेंसिटी का ही टर्म है। तो डी से पकड़ेंगे ऐसे करके, तो जिसमें डी है देखो इसमें और इसमें सेम है स्पेलिंग, देखो सेम है, इसमें जी है और इसमें डी है, तो डी वाला से डेंसिटी पकड़ लेंगे, और डेंसिटी मेजर करने के लिए पूछेगा तो हाइड्रोमीटर आंसर कर देंगे, या अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछेगा तो यहां से भी समझेंगे कि ये डेंसिटी का ही टर्म है, खुद का बनाया हुआ ट्रिक है, और ये जी है, इससे आप ह्यूमिडिटी करोगे, तो हाइग्रोमीटर पूछा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी करेंगे और निकल जाएंगे। देखो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दिया हुआ है, लेकिन ये होता अगर जब यहाँ हाइग्रोमीटर होता तो। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर
रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक वेव्स, तो सिस्मोग्राफ। एक चीज और नोटिस करना, ग्राफ वर्ड का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग। देखो ग्राफ अगर जैसे कि कोई पेज पे आप पेन से अगर आप ग्राफ को प्लॉट करते हो तो ये होता है मेरा ग्राफ, ठीक है। और मीटर दूसरा चीज होता है, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, बैरोमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैरोग्राफ और बैरोमीटर में क्या डिफरेंस है तो आप क्या बोलोगे, कि बैरोमीटर प्रेशर मेजर करेगा और बैरोग्राफ उस मेजर जो प्रेशर मेजर करने के बाद जो वैल्यू आया उसको वो रिकॉर्ड करेगा। समझ में आया, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखो कि आपको टाइम का यूनिट बताना कि कौन नहीं है, तो ये सेकंड है, सेकंड है, सेकंड है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टाइम का यूनिट सेकंड होता है और लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है, तो हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, लाइट ईयर। अब लाइट ईयर अभी हम लोग देखे कि ये डिस्टेंस का यूनिट है, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। आप लोग कोशिश करना लाइट ईयर का वैल्यू भी याद रखने का। वन लाइट ईयर जो होता है वो होता है, सबसे पहली बात कि आपका इसका वैल्यू होता है 9.46 × 10^15 मीटर, और वन पार्सेक जो होता है वो होता है 3.26 आपका लाइट ईयर, ठीक है। तो अगर मैं वन पार्सेक में इसमें पूछूं तो आप बोलोगे 3.26 × और वन लाइट ईयर का वैल्यू कितना होता है 9.46 × 10^15 मीटर, और इसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा 3.08 × 10^16 मीटर। तो आपको ये वाला याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है ये और आपको याद रखना है ये। इसको आप लोग एकदम से अच्छे से याद करो, पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेकिन हर तरह का कंसेप्ट सीख रहे हैं जो आ रहा है क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, और ये भी आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग जो कैलोरी बेसिस पे मेजर करते हैं एनर्जी को, ठीक है, तो द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन कैलोरी, आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, अगर नहीं भी आता है तो एम्पियर है, और एम्पियर किसका होता है तो इलेक्ट्रिक करंट का होता है, तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते थे, तो 58 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं, और ये सारा तो आपको पता ही है, पावर का हो जाएगा वाट, पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाएगा आपका वोल्ट, एनर्जी का हो जाएगा जूल, ये है SI में, और अर्ग होता है आपका CGS में, इसी तरह से 1 जूल में आपका 10^7 अर्ग होता है। ये सारा चीज आपको याद रखना है, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बार बार बोलता हूँ मत काउंट करो, ये एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन, छह क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करोगे तो 1000 क्वेश्चन तो मैं आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में करवा दिया हूँ। देखो 59, ये भी आप लोगों को पता होगा कि SI यूनिट पूछा जा रहा है टेम्परेचर का, और SI यूनिट होता है केल्विन, और टोटल 7 होता है, ये भी याद रखना। ये भी पूछ सकता है कि टोटल कितना SI यूनिट होता है, वो लोग 7, और SI का फुल फॉर्म क्या होता है तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। और ये टेम्परेचर वाला रिलेशन जो मैंने आपको बताया था, C-0 ÷ 100 ÷ F-32 ÷ 180 ÷ K-20 273 ÷ 100, इसको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 60 देखो कि द टेलीस्कोप इज यूज फॉर व्यूइंग, तो टेलीस्कोप का यूज हम लोग करते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जैसे कि आप अर्थ से स्टार को देख रहे हो, चाहे काफी दूर के किसी चीज को देख रहे हो, तो उस केस में टेलीस्कोप का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, वेलोसिटी ऑफ वाइंड रिपीट हो गया, पहले आया था, इसका आंसर होगा एनीमोमीटर, तो वेलोसिटी ऑफ वाइंड आपका एनीमोमीटर हुआ। और स्पीडोमीटर क्या होता है, तो अपने लोग का जो बाइक होता है या व्हीकल होता है उसमें जो लगा हुआ होता है उसी को स्पीडोमीटर कहते हैं, ठीक है। ऑडियोमीटर आप लोग जानते होंगे, ऑडियो मेजर करता है, और टेकोमीटर RPM मेजर करता है, तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इस टाइप का क्वेश्चन आने दो, डिटेल्स में बताऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 62 देखो, टेलीस्कोप इज यूज्ड टू, तो टेलीस्कोप अभी हम लोग पढ़े ना, अब यहाँ पे देखो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन वाटर, तो लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखेंगे मार देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे तो आपको फंसा दिया, इसीलिए हर एक चीज पता होना चाहिए। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस होता है, मैंने बताया ना कि ग्राउंड पर से हम लोग सन को देखेंगे या काफी दूर का वस्तु को देखेंगे, स्टार्स को देखेंगे,
तो ये सारा चीज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, और 1 इंच, तो ये सारा आपको याद करना पड़ेगा। 1 इंच में आपका होता है 2.54 सेंटीमीटर, तो इसको आप लोग याद रखना। और क्वेश्चन नंबर 64 देखो, 1000 माइक्रोन, देखो मैंने फर्मी बताया था तो काफी लोगों ने कमेंट किया था कि सर 10 टू द पावर ये 1 पेटा होता है, तो कंफ्यूज मत करो, एक होता है 10 टू द पावर 15 और एक होता है 10 टू द पावर -15, तो आपको पता होना चाहिए दोनों चीज, ये प्लस है और ये माइनस है, तो 1 पेटा मतलब 10 टू द पावर 15 और 1 फर्मी मतलब 10 टू द पावर -15, और यहाँ पे माइक्रोन है तो 1 माइक्रोन, माइक्रोन से माइक्रो समझो ना, ये होता है 10 टू द पावर -6। उसी तरह से अगर नैनो का बात होता तो ये हो जाता 10 टू द पावर -9। ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से अगर पिको का बात हो जाता तो हो जाता 10 टू द पावर -12, ठीक है। 1 फेम्टो का अगर बात हो जाता तो हो जाता 10 टू द पावर -15, और फेम्टो को ही फर्मी कहते हैं, माइक्रो को ही माइक्रोन कहते हैं, तो ये सारा कॉमन सेंस का बात है। तो आपको अगर ये पता है कि 1 माइक्रो होता है आपका 10 टू द पावर -6 और आपसे बोला गया है 1000 यानी 1000 माइक्रोन माइक्रोन और ये होता है मेरा आपका 10 टू द पावर -6, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका जाएगा 10 टू द पावर -3, ठीक है। और ये जितना होता है ये सारा मीटर में होता है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत करना, ये सारा मीटर में होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 65 देखते, किलोग्राम। अब बताओ ये अगर पता ही नहीं आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे, तो 1 किलोग्राम में होता है 2.22 पाउंड, लेकिन ये याद रखने से अच्छा है कि आप ये याद रखो कि 1 पाउंड में होता है आपका 0.453 केजी, इससे अच्छा आप लोग ये याद रखो, या आप ये कह सकते हो 453 ग्राम। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो ये आप लोग ऐसे भी कैलकुलेट करके कर लोगे, ठीक है। अपोजिट करोगे यहाँ से 1 केजी का, ये आपका इधर आ जाएगा 1/0.453 और पाउंड, और इसी को सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2.2, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 66, पास्कल। पास्कल किसका यूनिट है, अभी तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा प्रेशर का पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 1 वाट आवर, मैंने हजार बार बताया कि 1 किलोवाट आवर को बोलते हैं 1 यूनिट, जो अपने घर में बिजली बिल आता है, और इसका वैल्यू होता है 3.6 × 10⁶ जूल, और RRB ALP एग्जाम में ये इतना बार पूछा है ना कि बता नहीं सकते, और एक बार तो हद कर दिया, ये नहीं पूछा, पूछा था ये मेगा जूल ऑप्शन करके दिया हुआ था, और एक बार ऐसे करके दिया हुआ था, ऐसे करके किलो जूल, तो आपको ये सारा पता रखना है कि क्या पूछ देगा वो, ओके। और यहाँ पे देखो ये 1 किलो वाट आवर है, मतलब ये 1000 वाट आवर है, यहाँ पे देखो ऐसे करके ये हुआ ना, ये हुआ, और आपसे पूछा है 1 वाट आवर, मतलब इसको 1 करो, तो इसको 1 करोगे तो इधर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये इधर आपका 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा 3.6 × 10³ जूल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके घुमा घुमा के पूछ देता है। चलो क्वेश्चन नंबर 68, ट्रांसफार्मर। मैंने काफी अच्छा से समझाया हुआ है, ट्रांसफार्मर को देखते ही आप सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले आपके दिमाग में निकलना चाहिए अल्टरनेटिंग करंट। अगर आपको ये पता है तो ऑप्शन में देखो, एक ही जगह पे आपको AC दिख रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज AC वोल्टेज, इसका आंसर होगा। DC का कोई लेना देना नहीं है ट्रांसफार्मर का। और इसके साथ एक चीज और याद रखना, एक होता है इन्वर्टर और एक होता है रेक्टिफायर, ठीक है, होता है सभी के घर में इन्वर्टर होगा। आप ही लोग बताओ, बैटरी मेरा DC होता है और घर का लाइट चला जाता है, तो फिर मेरा वो घर का अंदर का जो सप्लाई होता है बल्ब का, पंखा का, फैन का, टीवी का, ये कैसे चलता है। तो एक होता है इन्वर्टर जो बैटरी के DC को बदलता है AC में, तो ये करता है DC to AC कन्वर्ट, और रेक्टिफायर करता है AC to DC, तो इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, कि एट
What temperature do both the centigrade and Fahrenheit thermometer show the same reading? ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. मैंने आज का लेक्चर का स्टार्टिंग में आपको अच्छे से बताया हुआ है कैसे आया था -40 डिग्री. चलो देखो यहाँ पे -40 डिग्री C और -40 डिग्री F नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल -40 डिग्री पे ही बंद कर दे रहे हैं. इस टेम्परेचर पे मेरा सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट इक्वल होगा. क्वेश्चन नंबर 70 देखो, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एल्टीट्यूड. आ गया ना फिर से एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मतलब एल्टीमीटर. एमीटर आपका करंट, ऑडियोमीटर आपका ऑडियो, एनीमोमीटर आपका साउंड का जो वेलोसिटी होता है, साउंड का नहीं वाइंड का, वाइंड वेलोसिटी. क्वेश्चन नंबर 71 देखो, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट का बात हो रहा है तो हम लोग एमीटर करेंगे. चलो क्वेश्चन नंबर 72 देखो, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड. देखो साउंड इंटेंसिटी तो ये होता है, कभी कभी ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ता है. अगर यूनिट पूछता तो डेसिबल करते, यहाँ पे मेजरिंग डिवाइस पूछा है. एल्टीमीटर हाइट को, एमीटर करंट को, एनीमोमीटर आपका वाइंड वेलोसिटी को, ऑडियोमीटर आपका ऑडियो को. तो बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी. चलो क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ वाइंड. अभी तक तो आपको पता चल गया होगा वेलोसिटी ऑफ वाइंड हम लोग मेजर करते हैं एनीमोमीटर से, बाकी ऑप्शन सारा चीज आप जानते हो. क्वेश्चन नंबर 74 देखो, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशियन. तो फैदम पढ़े थे ना, 1 फैदम है 6 फीट होता है और वो जो होता है मेरा डेप्थ मेजर करता है. तो उसी तरह से यहाँ पे आपसे पूछा गया फैदम, फैदो है ना, तो फैदोमीटर यूज करते हैं हम लोग ओशियन का डेप्थ मेजर करने में. क्वेश्चन नंबर 75 क्या, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट आपको पता चल गया होगा, देखो यहाँ पे आ गया ना आपको. मैंने क्या बताया था कि अगर आपको एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों दे दे उस कंडीशन में, अगर आपको ऑप्शन में बोथ ऑफ द अबव है तब तो कोई बात नहीं है, तब तो आपको बोथ करना पड़ेगा. अगर आपको ऑप्शन में कोई एक चूज करना है और एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों है तब आपको एमीटर करना है. और अगर आपको ऑप्शन में एमीटर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर मेरा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये करंट मेजर करता है, बट स्मॉल करंट मेजर करता है. क्वेश्चन नंबर 76 देखो, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर मैग्नेटिक फ्लक्स. ज्यादा कुछ नहीं पता है, इतना तो पता है कि फ्लक्स है और फ्लक्स मीटर है, तो कुछ कुछ चीज कॉमन सेंस से लगा सकते हैं. ये इंटरनल बॉडी पार्ट को मेजर करता है, ये डेप्थ को मेजर करता है, ये स्मॉल करंट को मेजर करता है, हर एक चीज पता होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 77 देखो, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू एग्जामिन इंटरनल पार्ट्स. आ ही गया एंडोस्कोप. देखो 2 महीना तक हम लोग यही करेंगे, काफी अच्छे से रिविजन करेंगे. ऐसा नहीं कि आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है, 55 या 56 प्लस लेक्चर ऑलरेडी है और 5 से 7 लेक्चर या आप कह सकते हो अप्रोक्स 10 लेक्चर, आप समझो ना कि 10 लेक्चर आपको मैं और दूंगा, मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मिला करके. तो आपका 100% मैंने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दिया है. इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी सारा कुछ कंप्लीट है, सिर्फ आपका प्रोजेक्शन एंड व्यूज बचा हुआ है. इसका भी मैंने 1 लेक्चर जो है कम्प्लीटली थ्योरिटिकल पोर्शन आपको दे दिया है, ठीक है. और अभी हम लोग को 2 महीना है, ये बचा हुआ चैप्टर जो है ये हम लोग करते रहेंगे. और पीछे से जिस हिसाब से मैं आप लोगों को रिविजन करवा रहा हूँ, क्वालिटी बेस्ट रिविजन जिसको आप कर सकते हो, ये आप करो और देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बिल्डअप होता है, ठीक है. और जो लोग वन लाइनर पढ़ना चाहते हो, ये सारा वन लाइनर आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको पढ़ो. और जहां समझ में ना आए भारी क्वेश्चन उसको आप छोड़ दो. नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर. तो देखो यहाँ पे आप फंसोगे. नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रिकॉर्डिंग ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर. ऑप्शन देखो हर जगह पे सेम है. मेजर करना है तो हम लोग आंसर करेंगे मीटर वाला, क्योंकि ये मेजरिंग डिवाइस का सिंबल है बैरोमीटर को. और मेजरमेंट जो आया रीडिंग वो रिकॉर्डिंग हो रहा है. देखो मेजर रिकॉर्डिंग्स, तो इस केस में हम लोग ग्राफ वाला कंसीडर करेंगे, बैरोग्राफ. तो क्वेश्चन आप लोग समझना, ऐसा नहीं कि नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रिकॉर्डिंग ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर देखे और बैरोमीटर मार के चले आए, 1 तो गया और 0.33 माइनस अलग से गया. क्वेश्चन नंबर 80 देखो कि नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हीट रेडिएशन. तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा, अगर देखो आपको मान लो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, आपको ऑप्शन के बारे में अगर आता है,
आप जानते हो कि कैलिपर एक तरह का टूल्स होता है, मेजरिंग टूल्स। आपको पता है बैरोग्राफ, अभी आपने देखा कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिकॉर्डिंग मेजर करता है, ये आपने देखा कि ये प्रेशर मेजर करता है, ये तीनों के बारे में आप श्योर शॉर्ट हो कि नहीं होगा। तो ये मेरा बच गया, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये सभी एक टेक्निक है आपका क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। मुझे भी नहीं पता था कि हीट रेडिएशन किस से मेजर करते हैं, तो मैंने आपको इस तरह से मान लो बता दिया। तो ये सारा टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा, हर एक चीज, हार्ड वर्क विथ स्मार्ट टेक्निक, तब जाकर के सिलेक्शन होता है। तो देखो यहाँ पे कहने के लिए 40 क्वेश्चंस, लेकिन अगर काउंटिंग करोगे तो मोर देन 100 क्वेश्चंस या उससे भी ज्यादा। तो ये सारा चीज था, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। मॉक टेस्ट 1 का जो सॉल्यूशन था, काफी अच्छा पॉजिटिव कमेंट आया, और आप लोगों का कमेंट से ऐसा मोटिवेशन मिलता है ना कि जो लोग निगेटिव कमेंट करते हैं उसको फिर हम लोग माइंड नहीं करते हैं। ओके, तो आप लोग कम से कम पॉजिटिव कमेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो भर के किया करो, और जब लेक्चर देखते ही हो तो थोड़ा सा लाइक भी किया करो, ताकि समझ में आए कि लाइक वर्सेस डिसलाइक का रेशियो क्या है, तो उससे भी पता चलता है कि लेक्चर कैसा था। चलो तब तक आप लोग मन से एग्जाम का तैयारी करो, मिलते हैं जल्द ही मॉक टेस्ट 3 में। थैंक यू।